मध्य प्रदेश के लिए झारखंड के बोकारो से चला लिक्विड ऑक्सीजन का टैंकर रविवार को उत्तर प्रदेश में रोक लिया गया। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद उत्तर प्रदेश के अधिकारी सक्रिय हुए और मध्य प्रदेश को उसके हिस्से का टैंकर लौटाने पर सहमति बनाई। सोमवार को टैंकर मध्य प्रदेश में आ जाएगा। सागर संभाल में ऑक्सीजन की जरूरत को पूरा करने के लिए बोकारो से एक टैंकर आ रहा है, जिसे झांसी में रोक लिया गया। यह खबर इंटरनेट मीडिया में फैली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार से बात की। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि केंद्र की ओर से उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाई गई और याद दिलाया गया कि नीतिगत निर्णय के तहत कोई राज्य किसी अन्य राज्य के ऑक्सीजन टैंकर को नहीं रोकेगा।